Hello everybody and welcome to a new episode of my very own podcast which is Mithali Unfiltered. Today I have a guest and hamara budget thoda sa kam hai which is why we just have one mic here and I'm going to speak on this. There might be a little discrepancy in the audio but I hope you don't mind and let's begin. So I have my mom today on the podcast. A lot of you have requested for me to have her. Secondly, a lot of you dropped a lot of questions for her. So we'll begin with all of your questions and a few of my questions. Let's go. How do you feel? A bit nervous. We will start from the very start. Your early days. How was life in school, before college? How was it exactly? I was born in a very small town, Modi Nagar, and my schooling is from TRM Public School, Modi Nagar. I love my school very much. ऐसे की तरह नहीं बोल रही हूँ. But मेरी schooling बहुत ही अच्छी थी. Fifth, sixth तक तो normal, जैसे सब बच्चों के number आते हैं वैसे ही आते थे. 80% 70% बट आफ्टर सिक्स्थ थोड़े से नंबर्स अच्छे आने शुरू हो गए. हमने पढ़ाई पे ध्यान दिया तो हम अंडर 10 आने लगे. उसके बाद फिर थोड़ा सा और ध्यान दिया, टीचर्स ने ध्यान दिया, लगा कि बच्चा पढ़ने वाला है. दे फोकस्ड ऑन अस. कोई ट्यूशन नहीं करी हमने आज तक, बल्कि हम टीचर्स के घर चले जाते थे अगर हमें कोई क्वेरी होती थी. और कभी भी किसी चार्ज के बिना हमने अच्छे से खूब पढ़ाई करी. 9th-10th में हमारी एक मैडम थी डॉक्टर रजनी ओरी, उन्होंने हमें बहुत प्रमोट किया कि नहीं तुम लोग PMT के लिए तैयारी करो. देन आई टोल्ड माई फादर कि ऐसा ऐसा है कि मैडम कह रही हैं हम PMT के लिए तैयारी कर सकते हैं. उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास फंड्स नहीं हैं, हम कोचिंग नहीं करा सकते, आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई करिए. बट डॉक्टर रजनी ओरी और मेरी प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मल दुबे मैम, उन्होंने हमें और मेरी दो फ्रेंड्स और थी मुक्ता और शालिनी, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराई अपने ही स्कूल में. और हमने बिल्कुल भी एक सिंगल पैनी भी नहीं खर्च करी. उसके बाद रिज़ल्ट हमारा कि हमारा सिलेक्शन हुआ और मैं आज जो हूँ, डॉक्टर रजनी ओरी मैम, डॉक्टर निर्मल दुबे मैम, डॉक्टर हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनका मैं नाम लेना चाहती हूँ. हमारा स्कूल टाइम वैसा नहीं था जैसा आजकल है. हमारे स्कूल टाइम में जो बॉन्डिंग होती थी टीचर्स की और बच्चों की, वो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होती थी. वो मतलब वो शायद हमें अपने बच्चों से भी ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ाते भी थे और हर चीज़ के लिए समझाते थे, बेसिक वैल्यूज़ के लिए, पहनना ओढ़ना सब कुछ. तो आफ्टर स्कूल एंडेड यू वेंट ऑन इनटू अ मेडिकल कॉलेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्टर क्यों बनना था एंड वेयर डिड इट कम फ्रॉम कि व्हेन डिड यू डिसाइड कि अब मुझे डॉक्टर बनना है? एंड स्कूल टाइम में ना मेरी एक बार बहुत तबीयत ख़राब हुई थी. मैं लिटरली काफ़ी एनीमिक हो गई थी एंड आई वेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. और मेरे बोर्ड्स चल रहे थे उस समय, 12th के बोर्ड्स थे, और मैंने कुछ एग्ज़ाम्स लिटरली वहाँ से हॉस्पिटल से गाड़ी से आती थी, एग्ज़ाम देती थी और वापस चली जाती थी, ऐसे दिए. तभी से मुझे PMT की तैयारी तो मुझे पहले से ही हम 11th-12th से कर ही रहे थे, लेकिन उसके बाद ऐसा हो गया कि नहीं, डॉक्टर ही बनना है और कुछ नहीं, मतलब सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए. तो फिर उसके बाद हमने और अच्छे से तैयारी करी. इस समय में मैं ये एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो हमारे स्कूल ने हमारा सपोर्ट किया वो तो था ही, लेकिन हमारे मोदी नगर में एक कोचिंग बहुत फेमस थी, डॉक्टर नारंग की कोचिंग. और डॉक्टर नारंग, डॉक्टर भारती, ऐसे दो टीचर्स हैं जिनका मैं कभी भूल नहीं सकती. और एक डॉक्टर और थे जिन्हें हम सरदार जी कहते थे केमिस्ट्री के, उन्होंने हमें बुला के, मुझे और मेरी फ्रेंड को बुला के स्पेशल क्रैश कोर्स दिया कि नहीं बेटा आप इसको भी लो, ये हमारी तरफ से है और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हम पढ़ाएंगे. और उन्होंने पढ़ाया, क्रैश कोर्स भी दिया और हमारा सिलेक्शन भी हुआ. सो हाउ वाज MBBS? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओ आप कौन से कॉलेज में पढ़े हो? मैं अपने SN मेडिकल कॉलेज आगरा से पढ़ी हूँ. एंड ऑल्सो वन मोर क्वेश्चन विच अ लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू नो इज कि
How do you believe MBBS then versus now has changed? Matlab, when you see me doing my MBBS, the curriculum, relations, bonds, and also state wali MBBS or Delhi wali MBBS mein, aapko kya farak lagta hai? जी नहीं पता, जब हमने MBBS में एडमिशन लिया और आज तक हम दो बैच ऊपर और दो बैच नीचे इतने कनेक्टेड रहते थे कि आप आंख बंद भी अभी मुझसे करवा लो ना और किसी का भी नाम पूछो तो मैं उन एक अपनी हॉस्टल वाली सीनियर को सीधा यही बताऊंगी कि वो यहाँ से थी। मैं कभी ये नहीं बताऊंगी कि वो, मतलब मुझे याद नहीं है कि वो कहाँ से थी। हमें इतना याद रहता था कि वो सीनियर लखनऊ से हैं, वो मेरठ से हैं। और ये किस लिए? क्योंकि मैं उसको रैगिंग नहीं कहूँगी। हमारा एक हॉस्टल में बॉन्डिंग होती थी, रात को हमें बुलाते थे, नाम पूछते थे, पता पूछते थे, हॉबीज़ पूछते थे, और एग्ज़ाम टाइम में हम उनको सपोर्ट करते थे। ठीक है, आप पढ़िए, हम आपके लिए चाय बना देते हैं या आपका बाज़ार का कोई काम है वो कर देते हैं। वो भी हम विलिंगली करते थे, हमें कोई फोर्स नहीं करता था। लेकिन जब मैं मिताली से पूछती हूँ तो इन लोगों के इसके तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि ऐसे कोई कॉन्टेक्ट है, ना जूनियर्स से ना सीनियर्स से। हमारी सीनियर हमसे कहती थी चलो मंदिर चल रहे हैं, चलो राजा मंडी चल रहे हैं, चलो किनारी चल रहे हैं, तो हम मतलब सोचते ही नहीं थे हाँ चलिए, क्योंकि हमें पता था जाएंगे सीनियर के साथ जा रहे हैं तो खा पी के ही वापस आएंगे, और अगर जूनियर को लेके जा रहे हैं तो खिला पिला के वापस लेके आएंगे। और स्पॉन्सर्ड बाय देम, स्पॉन्सर्ड बाय द सीनियर एवरी टाइम, स्पॉन्सर्ड बाय तो कहना ही नहीं होता। अगर आज भी मेरी कोई सीनियर मुझे कहीं भी मिल जाएगी तो ये कहना नहीं है कि किसको पे करना है, और हम अपनी जेब से पैसा निकालेंगे भी नहीं। ये तो मतलब बेइज्जती होगी अगर सीनियर हमारे साथ है और हम पैसे दे रहे हैं, तो ये उनके लिए भी मतलब ठीक नहीं है और हमारे लिए भी ठीक नहीं है। बट वो वाली बॉन्डिंग अभी तक मुझे अब मिताली के इसमें नहीं दिखाई दी। और कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह या कुछ नहीं होता था, अब तो सब कुछ ऑनलाइन होता है। पढ़ाई भी बहुत अच्छी, क्लिनिक्स व्लिनिक्स सब, मतलब हम मन लगा के पढ़ते थे। और हम मन लगा के नहीं पढ़ते लगता नहीं है ऐसा लगता है शॉर्टकट्स मारते हो सिर्फ मतलब हर आदमी भागम भाग में लगा है कि ये टॉपिक यहाँ से कवर कर लिया या ये टॉपिक यहाँ से कर लिया, एग्जाम दिया, छुट्टी, फिर नीट पीजी क्रैक कर लिया। फिर नीट पीजी, हम लोगों ने पीजी की तैयारी इंटर्नशिप में मतलब फाइनल ईयर के लास्ट में सोचनी शुरू करी थी। बीच में हाँ ज़रूर फार्माकोलॉजी के टाइम पर हम MCQ लगाने लगे थे, वो भी हमें टीचर्स बहुत अच्छे मिल गए थे, तो उन्होंने हमें कहा कि आप लोग अभी से तैयारी करिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस लगाइए, तो हम लोगों ने लगाना शुरू किया था। MBBS मैं कहती हूँ एक ऐसी बॉन्डिंग होती है कि आपका MBBS का, हमारा स्टेट का तो मैं कह सकती हूँ UP का, कि अगर 100 बच्चे हैं, चाहे हमने MBBS में उनसे एक दिन भी बात ना करी हो, लेकिन अगर आज मैं अपने किसी भी बैचमेट को फ़ोन करके कह दूँ कि मेरी बिटिया आ रही है, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको घर भेज दीजिए। मुझे आँख बंद करके वो कहते हैं अरे भेजो यार, लोकल गार्जियन हैं हम, तो तुम्हें किस बात की चिंता है। और ये मतलब दो बैच ऊपर दो बैच नीचे लागू होता है। आज भी 90 बैच के लोग मुझे जब मिलते हैं, 89 बैच के लोग जब मिलते हैं, दे रिमेम्बर मी। तो आर यू द फेमस पर्सन ऑफ द कॉलेज? पता नहीं फेमस किस सेंस में हाँ इतना जरूर था कि हाँ ये लड़की कुछ भी बोल देती है बिना सोचे समझे, मुंह फट। हाँ एक बार तो किसी सीनियर ने ये भी कहा था कि भैया देखना किससे शादी होगी, भगवान बचाए उसको जिससे इसकी शादी होगी। कमिंग टू दिस रिमाइंड्स मी ऑफ, क्या आप बताना चाहोगे दैट हाउ डिड यू मीट पापा इन द कॉलेज? कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हमें बहुत मज़ा आता था, थोड़ा लिखना का शौक था, तो पंछी पीरियड हमारा जब ख़त्म हुआ, हमारी फ्रेशर्स हो रही थी, तो हमें पंछी पीरियड क्या होता है ये नहीं पता सबको। पंछी पीरियड मतलब जो फर्स्ट ईयर्स होते हैं तो उनको पंछी कहा जाता है, बिकॉज आगरा में पंछी पेठा बहुत मशहूर था, तो फर्स्ट ईयर्स को पंछी कहते थे। दो चोटी बनानी होती थी, आज भी है, वाइट कलर का कलर सूट था। ये सब यहाँ नहीं है, अब नहीं है, दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं है, आगरा में है और होना चाहिए, देयर शुड बी अ डिसिप्लिन। है क्या दिक्कत, क्या स्कूल में भी तो सब लोग स्कूल ड्रेस पहन के जाते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है और होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें बाद में याद आती हैं,
तो आफ्टर पंची पीरियड वी हैड अ पार्टी, हमें अपने सीनियर्स ने फ्रेशर्स पार्टी दी थी, तो उसी पार्टी के दौरान 91 बैच में से कुछ एनएमओ के लोग थे जो एक एक्टिविटी कंडक्ट करा रहे थे कि एक छोटी सी पोएम लिखनी है किसी को भी. तो इससे मैं एनएमओ से जुड़ी और उसी पार्टी में मेरी पोएम बहुत पसंद आई, तो मुझे मिस फ्रेशर का टाइटल भी मिला. तो ऐसे धीरे धीरे एनएमओ से जुड़ती गई. फिर एनएमओ ने सोचा कि एक हम मैगज़ीन निकालते हैं निहारिका के नाम से. तो उस मैगज़ीन में हम लोगों ने बहुत से आर्टिकल्स किए. तो उसमें एक हमने सर्वे करना था इंटरकास्ट मैरिज पे, जिसमें हम अलग अलग कॉलेजेस में गए, आगरा कॉलेज में गए, दयालबाग कॉलेज में गए. तो चूँकि मैं हॉस्टलर थी तो मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था, तो हम सब जितने भी हॉस्टलर्स थे डे स्कॉलर्स के साथ या जिनकी लड़कों के साथ व्हीकल होता था उनके साथ लटक के चले जाते थे. वैसे इसको ऐसे ही कहते हैं हम लटकना. तो ऐसे ही धीरे धीरे टाइम काफ़ी लगा सर्वे में, बातचीत बढ़ी, डॉक्टर साहब अच्छे लगने लगे. बस ना ऐसा कुछ प्रपोज टाइप का कुछ नहीं हुआ. जब पहले सर्वे तक मिलते थे फिर डेली मिलने लगे बस. एंड आपकी भी इंटरकास्ट मैरिज थी बाय द वे, एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस कन्विंसिंग पेरेंट्स टू गेट मैरिड राइट आफ्टर फाइनल ईयर बिफोर इंटर्नशिप? डिफिकल्ट था. मैंने थर्ड ईयर में अपने घर पे बता दिया था कि मैं एक ऐसे ऐसे सर हैं, मैंने आज तक कभी उनका नाम नहीं लिया, सर हैं और हम लोग अक्सर मिलते हैं. तो पापा मम्मी का माथा ठनक गया उसी समय. बीच में दो बार हॉस्टल भी आए, उनसे मिले भी, ये भी कहा छोड़ो यानी दो अपनी कास्ट में देखो. और जब वो आते थे मैं कहती अच्छा ठीक है मैं कंसिडर करती हूँ छोड़ दूँगी. फिर वो 6-8 महीने के लिए बात टल जाती थी. फिर कभी हम घर गए फिर फ़ोन आ गया, फिर उन्हें याद, हमें भी याद आता था कि दोबारा बता दें, उन्हें भी याद आता था पूछ लें कि अभी मिलना जुलना चालू तो नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, डॉट फोन से ही बात होती थी. तो ऐसे चलता रहा, उधर से ना होती रही, हम अटके रहे. मीनवाइल डॉक्टर साहब का, चूँकि वो मेरे से 2 साल सीनियर थे, उनका पीजी में सिलेक्शन हो गया तो उनको गोरखपुर जाना था फॉर एमडी मेडिसिन. तो और मेरी यहाँ पे इंटर्नशिप चल रही थी, शुरू होनी थी. ओके. तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है मैं चला जाऊंगा. तो मुझे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी लगी, मैंने कहा जाने के बाद तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है. देन आई फोर्स माय पेरेंट्स की नहीं इंटर्नशिप में ही शादी करनी है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. तो थोड़ा सा तामझाम वो है, मेलो ड्रामा सा हुआ, बट मान गए. तो तब मतलब अभी तो इफ़ आई थिंक अबाउट इट तो जस्ट इंटर्नशिप में शादी इज वेरी लाइक अर्ली फॉर अस. तो व्हाट डू यू मतलब आपके टाइम पे वाज इट नॉर्मल, बहुत लोगों की शादी हुई थी उस टाइम पे, या यू वर अमंग द फर्स्ट फ्यू पीपल इन द बैच टू गेट मैरिड? बैच में मैं सेकंड ईयर थर्ड थी. एक लड़की की तो हमारी एमबीबीएस करते करते फाइनल ईयर में ही हो गई थी, और कुछ लोगों की इंटर्नशिप के तुरंत बाद हो गई. बट उस टाइम पर इंटर्नशिप में शादी होना ऐसे कोई वो नहीं था. तो वाज इट अ प्रॉब्लम व्हाइल डूइंग द इंटर्नशिप, मतलब फैमिली के? इंटर्नशिप जैसी मेरी शुरू हुई उन चौक कि डॉक्टर साहब का सिलेक्शन गोरखपुर हो गया था, देन आई वेंट विद हिम. ये मैंने सोच रखा था कि मुझे फैमिली के साथ यहाँ पर तैयारी नहीं हो पाएगी, चाहे कुछ भी हो, मुझे इंटर्नशिप में या तो आप हॉस्टल में छोड़ दीजिए या फिर अपने साथ लेके चलिए. एंड ही एग्रीड कि ठीक है तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना ड्यूटी करूँगा तुम अपनी पढ़ाई करना. और गोरखपुर में मुझे बहुत अच्छी फ्रेंड सर्कल मिल गया था 93 बैच का ही, तो उनके साथ मैंने पढ़ाई करी और सिलेक्शन निकाला. एंड देन व्हेन आई वाज बोर्न एंड लाइक व्हाट आर योर मेमोरीज, क्योंकि आपको याद तो बहुत कम चीज़ें रहती हैं. हाँ, मेरे को पुरानी मेमोरी बहुत कम रहती है. बट आई वांट यू टू टेल द सिनेरियो जब मैं पैदा हुई थी एंड पापा वाज नॉट देयर. मेरा सेकेंड ईयर था और पीजी. हाँ, ऑफ पीजी, एमएस सेकेंड ईयर था पीजी का, गायनी में. तो हमारा चेकअप चल रहा था, ऑल ऑफ ए सडन मेरा बीपी बढ़ गया और थोड़ा सा मुझे फेशियल पैरालिसिस के सिम्टम्स आने लगे, ड्रूलिंग होने लगी, सलाइवा की, और चलने में भी दिक्कत आने लगी. तो हमने मैडम से कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा नहीं ऑपरेशन कराइए और बेबी आउट कराइए, इस बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी. लिटिल प्रीटम 34 वीक्स कंप्लीट हो चुके थे, बट मुझे अपनी कंडीशन भी देखनी थी.
और फिर हमने उनसे टाइम लिया, सुबह 6 बजे का टाइम उन्होंने दिया कि आप आइए, एडमिट हो जाइए और सुबह 6 बजे तो ऑपरेशन करते हैं। अब सुबह 6 बजे एडमिट होने के एक आध घंटा तो लगता ही है, पीडियाट्रिशियन आएगा, एनेस्थेटिस्ट आएगा, तो डॉक्टर साहब मुझे लेके ओटी के बाहर, मतलब जो भी था बेड बेड वहाँ पर लेटा के, उन्होंने कहा ठीक है मैं घर होके आता हूँ और घर से मतलब भाभी भाभी को लेके आता हूँ। और उस समय मेरी फ्रेंड थी नीलू, वो पूरी प्रेगनेंसी उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उसने मेरे साथ ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एंड मुझे लेके जाना, मुझे छोड़ना, मेरे खाने पीने का ध्यान रखना, मेरे साथ पढ़ाई करना, कुछ चीज़ें सुना देना कि चल ये मैं पढ़ ले रही हूँ ये तू सुन ले, एंड शी वॉज़ वेरी सपोर्टिव। और 6 बजे सुबह वो भी वहाँ पर, मैंने उसको कॉल कर लिया था, मैंने कहा ऐसा सुबह सुबह सीज़र होना है तो तुम यू शुड बी देयर, तो वो आ गई थी। तो जब मैडम मुझे ओटी में लेके गई और जब मिताली हुई, तो शी वॉज द ओनली पर्सन हु टुक मिताली इन हर हैंड्स। इसके पापा घर पे गए हुए थे, तो वो आज तक कहती है मिताली आधी मेरी भी है। मैंने कहा हाँ पूरी पूरी तुम्हारी है अभी। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आपने पहले मेरा नाम निहारिका रखा था, वो बुक के चक्कर में, हाँ एंड वो दैट बुक इज ऑल्सो अ के, डिफरेंट स्टोरी कि मेरा नाम 5-6 बार चेंज हुआ है. वो 5-6 बार इसलिए चेंज हुआ, जब मैंने तुम्हारा नाम निहारिका रखा तो हमारे एक स्टाफ ने भी अपनी लड़की का नाम निहारिका रख दिया, फिर मैंने तुम्हारा नाम तान्या रखा, तो फिर हमारे फैमिली में ही किसी इसके दूर के चाचा उनकी बिटिया का नाम भी तान्या निकल आया, फिर मैंने मानसी रखा, फिर किसी और का रिश्तेदारी में नाम मानसी निकल आया, तो हमने फिर बहुत सोच समझ के नाम 3 बार चेंज करने के बाद मिताली रखा। ठीक है, मूविंग ऑन. हाउ वॉज रेजिंग मी अप एज अ पीजी एंड वाइल बिल्डिंग योर ओन हॉस्पिटल, ऑल ऑफ दैट, लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, कैसा मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि तुम, बस मुझे इतना याद है कि तुम पैदा हो गई और मैं तो अभी गई? पल गई। 1.5 साल तक का मुझे कुछ भी याद याद नहीं नहीं है, है. इसलिए याद नहीं है कि मैं सुबह आती थी, सुबह अपना जाती थी पीजी कर के लिए, अपने ड्यूटीज जाती थी, शाम को आती थी, पढ़ाई करती थी, सो जाती थी, फिर उठती थी, फिर सुबह चली जाती थी, या नाइट ड्यूटी करती थी तो सुबह आती थी फिर सो जाती थी। हाँ बस ये है कि इसको लेके सोना होता था, मुझे इसको पकड़ के सोना होता था, इतना याद है। कब पहली बार चली, कब पहली बार रोई, कब खाया, कब माँ बोला, कब पाप बोला, ये जो आजकल के ये टेंट्रम्स हैं ये मुझे कुछ भी याद नहीं है कि जो लोग सेलिब्रेट करते हैं कि आज पहला पहला कदम रखा या आज पाप बोला है, वो क्योंकि इसकी हमारी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव थी, तो पूरा इसका खाना पीना नहलाना धुलाना सब वही करती थी। और बाकी हमारी 3 भाभियाँ थी, हमारी जेठानियाँ, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, कभी ये बीमार हो रही है तो वही दिखाने ले जाती थी। मैं तो लीस्ट बॉदर्ड थी कि कोई पीडियाट्रिशियन को दिखाना है, वैक्सीनेशन कराना है, 1.5 साल तक मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, याद ही नहीं है इनफैक्ट। हाँ ये याद है, ये गिर गई मैंने एक दिन, बहुत पुराना घर था और उसमें एक बक्सा रखा हुआ था वहाँ रसोई में हमारे, तो मैं आई जैसी वहाँ से हॉस्पिटल से अपने कॉलेज से, तो मुझे लगा फटाफट उठा लो, उठाने में ये वहाँ से लपकी और मैं उठाया और ये धड़ाम से नीचे गिर उस दिन बहुत डांट भी पड़ी थी कि रहने दो तुम, उठाया भी मत करो। एंड अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड और फिर सुहाना पीयू. हाँ इतना सब कुछ तो याद है, जब मदर्स प्राइड में एडमिशन कराया, विच वॉज माई किंडरगार्टन स्कूल. हाँ, लेकिन छोड़ने ले जाने का काम पापा का था, फादर इन लॉ का था, मेरा काम तो बस एक सुबह टिफिन बना देना था, उसके बाद मैं हॉस्पिटल चली जाती थी, जब ये 12 बजे आती थी वहाँ से, तो मम्मी इसको खाना पीना खिलाती थी, मैं आती थी 3 बजे करीब या 2:30 बजे करीब, हम आते थे खाना खाते थे, तब ये सो रही होती थी, फिर शाम को हम फिर भाग जाते थे, फिर आते थे रात में, तब जगी मिलती थी तो ठीक है थोड़ी देर खेल लिया वरना फिर सुला दिया तो लेकिन हाँ जब 5-6 साल की हो गई, जब किंडन गार्डन से वहाँ गई सेंट एलकेजी में, पॉन्ट्रिक्स. तब तो फिर प्रॉपर हमारा इंटरव्यू हुआ, वो भी याद है हमें, हाँ कि ये कैसे वहाँ पर परफॉर्म कर रही है, थोड़ा सा सिखा पढ़ा के भेजा, एलकेजी में एक्टिविटीज़ होती थी स्कूल में, हर फंक्शन में तब तैयारियाँ कराई हैं,
उसके बाद का चाइल्डहुड तो फिर हमारे साथ ही, मतलब हमें ऐसा याद नहीं है कि मैं एक एक पर्टिकुलर इवेंट याद कराऊं, बट तब तक फिर ये मेरे अंडर में आ गई थी, मम्मी का कंट्रोल इसके ऊपर थोड़ा सा कम हो गया था। फिर ये पहचानने लगी कि ये मेरी मम्मी है, 3-4 साल का बच्चा, तो फिर वो भागता ही है माँ के पास ही। एंड हाउ इज़ इट सेटिंग अप केयरवेल हॉस्पिटल अलोंग साइड दिस क्योस? नहीं, ये कोई क्योस नहीं है, बच्चे पालना कोई क्योस नहीं है। एक जॉइंट फैमिली में वो तो पली जाते हैं, इतना नहीं बौदा करना पड़ता जितना अब एक एक बच्चे को लोग, मैं देखती हूँ कि सिंगल फैमिली को कितनी दिक्कत आती है एक बच्चे को ग्रो करने में, कि खुद को देखें, कि बच्चे को देखें, कि खाना बनाएं, इस इट्स अ लिटल मेसी होता है। लेकिन जॉइंट फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, कि हॉस्पिटल को भी हम धीरे धीरे ग्रो कर पा रहे थे और बच्चा भी हमारा मम्मी पापा और ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के भरोसे सही चला। मैं खुद एक स्मॉल मतलब न्यूक्लियर फैमिली से आई हूँ, बट आई लव जॉइंट फैमिली। ठीक है, एंड करेंटली हाउ इज लाइफ एज अ गायनेकोलॉजिस्ट विथ 3 children? स्मूथ, वेरी स्मूथ, क्योंकि एक बच्चा अपना कॉलेज कर रहा है, नथिंग टू बॉदर। बाकी 2 बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल चले जाते हैं, तो 7 बजे के बाद हम फ्री हैं। हम अपने ऊपर, चाहे हम वॉक करें, चाहे जिम जाएं, चाहे योगा करें, चाहे सो जाएं, कुछ भी कर सकते हैं। 2 बजे बच्चे आते हैं, तब तक हमारा ये अपना मी टाइम है, चाहे हम उस समय अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम अपना 10 बजे ओपीडी स्टार्ट करके 2-2.5 बजे तक ओपीडी फिनिश कर देते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं। शाम को बच्चे भी अपने मोबाइल में बिजी, अपनी पढ़ाई में बिजी, ट्यूशन में बिजी, 3 घंटे वो भी हमारे फ्री हैं। क्वाइट स्मूथ, और स्मूथ है इसलिए भी क्योंकि हाउस हेल्प अच्छा मिल जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हाउस हेल्प अच्छा नहीं होगा तो रोते रहेंगे, कुछ नहीं काम चलता। क्योंकि मेरे से लाइक वन ऑफ अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एक्चुअली आस्क्ड मी दैट हाउ डज योर मॉम फाइंड टाइम आफ्टर बीइंग अ गायनेक। मैंने शुरुआत से ही अपनी इवनिंग ओपीडी कभी नहीं करी। जब मीनवाइल जब हम हॉस्पिटल सेटअप कर रहे थे तब इमरजेंसीज बहुत आती थी, तब मुझे मतलब भागना ज़्यादा पड़ता था, रात को भी भागना पड़ता था, क्योंकि तब हम अनबुक्ड केसेस, अनरजिस्टर्ड केसेस, सीरियस पेशेंट्स बहुत लेते थे विदाउट अपॉइंटमेंट। हाँ, हम तो उस समय मुझे बहुत भागना पड़ता था, बट अब तो आफ्टर कोविड हम लोगों ने कुछ अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि मतलब बुक्ड केसेस ही लेने हैं, रजिस्टर्ड केसेस ही लेने हैं, बहुत सीरियस पेशेंट है तो वो हायर सेटअप के लिए रेफर करना है, चाहे अपने अंडर में चाहे किसी और के अंडर में। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना काम करना चाहते हैं। इफ़ यू आर अवेलेबल 24 आवर्स तो काम 24 आवर आएगा, एंड इफ़ यू आर अवेलेबल फॉर 8 आवर्स तो काम उतना ही आएगा। यू कैन रिफ्यूज़ ना, अगर आप नहीं शाम को अवेलेबल हैं तो आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं, वो किसी और डॉक्टर को दिखा सकता है। बट कोई बुक्ड केस है तो उसके लिए आज भी हम तैयार हैं, आधी रात को भी तैयार हैं। ठीक है, एंड 2 साल ऑफ मी बीइंग इन कोटा, वर यू एवर लाइक स्कैर्ड, या फिर कभी भी ऐसे लगा था कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, या फिर क्या करेगी, या फिर मतलब आपने पहले से लाइक बचपन से सोच, मेरे बचपन से सोचा था कि इसको डॉक्टर बनाना है या? मैंने कभी नहीं सोचा डॉक्टर बनाने की। इट डिपेंड्स कि मैंने कहा था जो बच्चों को बनना है वो उनकी चॉइस है, और कोटा भेज दिया था, इसके पापा चाहते थे कि अगर ये तैयारी करेगी तो कोटा अच्छा रहेगा, गाइडेंस अच्छी मिलेगी, क्योंकि घर में 2 छोटे बच्चे हैं और जॉइंट फैमिली है तो थोड़ा पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है, या फिर मैं इसको कोचिंग्स के लिए ले लेके नहीं भाग सकती कि कभी इस टीचर के पास या उस टीचर के पास। तो दैट्स वाई वी प्रेफर्ड कोटा। कोटा में थोड़ी सी भागा दौड़ी करनी पड़ती थी, हर महीने जैसे चक्कर लगाना, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती थी ट्रैवलिंग की वजह से। 8 घंटे का रास्ता, यहाँ से पहले मथुरा जाओ फिर मथुरा से कोटा, अदरवाइज़ और ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं कभी। कोटा से डर नहीं लगा क्योंकि परफॉर्मेंस ठीक चलती रही, पढ़ाई लिखाई इसके जो नंबर आते थे ठीक ही आते थे, तो ऐसा कभी डर नहीं लगा कि सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे ये था कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, जिस तरह से नंबर आते हैं तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। और अगर मान लो हैड इट नॉट बीन अ डॉक्टर, व्हाट वुड यू हैव प्रेफर्ड कि मैं बनूँ? लॉ।
लॉ। लॉयर। क्या आपको लगता है मैं डिबेट अच्छा करती हूँ? बहस तो अच्छी करती हूँ। ठीक है, ओके। फ्यू ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले तो ये दैट एज अ गायनोकोलॉजिस्ट व्हाट इज दैट वन मैसेज दैट यू वांट टू गिव आउट गर्ल्स वाचिंग यू? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। अभी जो टीनेज गर्ल्स हैं वो PCOD की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा गुजर रही हैं बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल चेंजेस। पिज़्ज़ा, बर्गर, मतलब फास्ट फूड खाना, या फिर बैठे रहना कंटिन्यूसली, अपने मतलब वर्कआउट नहीं करना। कसूर उनका भी नहीं है, वर्कआउट का टाइम ही नहीं है किसी के पास, कॉलेज लाइफ है। बट कुछ कुछ चेंजेस करके आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, या 10-10 मिनट भी आप एक्सरसाइज करके सुबह दोपहर शाम कुछ चेंजेस ला सकते हो। आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन लेते रहना चाहिए। वाइटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो रही है आजकल, क्योंकि सब सनस्क्रीन लगा के चलते हैं। तो कुछ चीज़ें, मतलब एक ईयरली चेकअप अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो आपको कराना चाहिए। तो सिंस अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, कॉमेंट मी दैट वॉट आर योर पेरेंट्स का व्यू कि MBBS के साथ कॉन्टेंट, हाउ आर यू मैनेजिंग इट एंड वॉट डू योर पेरेंट्स फील अबाउट इट? तो वॉट डू यू फील अबाउट इट? पेरेंट्स में दो लोग होते हैं, मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन शेयर करूँगी, ठीक है? और दो लोग हैं तो दोनों का सोचना अलग अलग ही होता है। मेरा मानना यह है कि कॉन्टेंट क्रिएशन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी ऑडियंस आपके साथ होनी चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए। बिकॉज यू हैव ऑप्टेड फॉर MBBS सीट, गवर्नमेंट आपके ऊपर पैसा खर्च कर रही है, और ये बाई चॉइस ली है आपने, आप पे थोपी नहीं गई है। तो आपको MBBS की सीट वेस्ट नहीं करनी है। यू शुड कम आउट टू बी अ डॉक्टर और अ गुड डॉक्टर। और थर्ड ईयर के बाद जब क्लिनिक्स वगैरह शुरू हो जाएंगी तब आपको प्रॉपर टाइम मिल पाएगा कंटेंट बनाने का या नहीं मिल पाएगा। इट डिपेंड्स कि आप कितना क्लिनिक जा रहे हो, कितनी तैयारी, PG की भी आपको शुरू करनी है। इट डिपेंड्स ऑन यू। अनटिल अनलेस पढ़ाई सफ़र नहीं कर रही है तब तक बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और कि सोशल मीडिया से मेंटल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि कमेंट्स आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। तो उस चीज़ को झेलने की भी ताकत आप में होनी चाहिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेवर थिंक कि अब उसने ऐसा क्यों लिख दिया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने पार्ट पर भी गलतियां होती हैं। अगर आपको कोई गलत मैसेज, मतलब गलत अगर आपके कमेंट्स आ रहे हैं तो ऑडियंस की सुननी भी चाहिए। एंड सोशल मीडिया एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उस पर आपको ऐसा मैसेज भी शेयर करना चाहिए या मोटिवेशन देना चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए कि वो पॉजिटिव फीडबैक जाए सोसाइटी में। एनी लास्ट मैसेजेस दैट यू हैव फॉर द यंगस्टर्स? हाँ, यंगस्टर्स के लिए एक मैसेज ज़रूर देना चाहती हूँ कि सब लोग आजकल अपने अपने में सिमट कर रह गए हैं। मी टाइम, मी लाइफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैन इज़ अ सोशल एनिमल और सबको मिलजुल के रहना चाहिए और अपनी एक फ्रेंड सर्किल ऐसी बनानी चाहिए, पब्लिक रिलेशन ऐसे रखने चाहिए कि आपके साथ कोई आधी रात को भी खड़ा हो। फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है। कॉलेज टाइम में बनी हुई फ्रेंडशिप लाइफ लॉन्ग लास्ट करती है। इसके लिए थोड़ा सा अगर एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना पड़े, चाहे रूममेट के साथ, चाहे बैचमेट के साथ, या किसी भी सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, तो एडजस्टमेंट करिए, क्योंकि लाइफ इज़ एडजस्टमेंट। आपको हर लेवल पे एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। जो एडजस्टमेंट करना सीख गया वो लाइफ जी गया। Alright, so that's it for this one. I hope you enjoyed this one and we'll be coming up with more such videos and do let us know in the comments how did you feel about this and if you liked it, do not forget to like, share, subscribe. Okay, bye.